आधार वर्चुअल आईडी। तो दोस्तों, आपने आधार वर्चुअल आईडी के बारे में बहुत सुना होगा, तो आपको ये नहीं पता है कि वर्चुअल आईडी क्या होती है और इसे कैसे जनरेट करना है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल आईडी क्या है और इसे कैसे जनरेट करना है। कंप्लीट डिटेल आज मैं आपको इस वीडियो में लाइव बताऊंगी। तो इसके लिए आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, तभी आप इजीली घर बैठे बैठे अपनी वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो वर्चुअल आईडी क्या है? वर्चुअल आईडी 16 डिजिट का एक नंबर है, यानी कि जैसे ही आप अपने आधार कार्ड को देखते हैं, आपके आधार कार्ड के ऊपर एक आधार कार्ड नंबर मेंशन होता है और उसके बिल्कुल नीचे आपको वीआईडी मेंशन होता है, यानी कि वर्चुअल आईडी आपको वहां पर मेंशन होती है। ये क्या है? 16 डिजिट का एक नंबर है और हर आधार कार्ड होल्डर की अपनी अलग ही वर्चुअल आईडी होती है, यानी कि ये सबकी क्या होती है, जैसे आधार कार्ड नंबर सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, उसी बेस पर जो वर्चुअल आईडी है वो भी सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अगर आप इस नंबर को जनरेट करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। सबसे पहले हमने गूगल क्रोम में uidai.gov.in एंटर करना है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होगा। यहाँ हमने माय आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर माय आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन शो होते हैं। हमने यहाँ पर माय आधार में हमारे पास ऑप्शन है अपडेट योर आधार, गेट आधार में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आधार सर्विसेज में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम यहाँ अपनी वर्चुअल आईडी जनरेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास आधार सर्विसेज में नीचे ऑप्शन दिया गया है वर्चुअल आईडी जनरेटर। तो हमने सिंपली यहाँ पर वर्चुअल आईडी जनरेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होगा। तो यहाँ हमने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए हमने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो हमसे यहाँ पर कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी। सबसे पहले हमने अपना आधार नंबर एंटर करना है, देन हमने कैप्चा कोड एंटर करना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। हमने वो सेम ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने सर्विसेज से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन शो होते हैं। हमने यहाँ पर जनरेट वर्चुअल आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर सिलेक्ट करने को कहा गया है। आप यहाँ पर जनरेट वर्चुअल आईडी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। अगर आप अपनी वर्चुअल आईडी को रिट्रीव करना चाहते हैं, तो आप सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, रिट्रीव वर्चुअल आईडी। तो हम यहाँ पर वर्चुअल आईडी जनरेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारी यहाँ पर आधार वर्चुअल आईडी जनरेट हो चुकी है और ये सेम आईडी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के थ्रू सेंड कर दी गई है। तो इस तरीके से आप इजीली अपनी वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे आप घर बैठे बैठे अपने आधार कार्ड में वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल आपको क्लियर होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।